फाइनली मैंने पहन लिया और फाइनली मैंने नॉर्मल ड्रेस पहना. ड्रेस मतलब एकदम नहीं, ड्रेस वैसा मतलब पिंक 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 मैं थोड़ा सा इसको ग्लॉसी ग्लॉसी सोच रही हूँ कर लूँ. मुझे अब मैंने आज शैम्पू नहीं किया था तो मैंने आज बाल ऐसे टाइट कर लिए क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ड्रेस के साथ जा भी रहा है और मेरा मन नहीं कर रहा था आज शैम्पू करने का. ऐसा होता है ना, कभी कभी मन नहीं करता है. आप लोग का भी होता होगा आई थिंक, है ना. हु नॉट बैड. फाइनली कर लिया मैंने सारे मेकअप. लिपस्टिक नाउ लेट्स. यार ये मेरा फेवरेट है लेकिन मतलब सब बोलते हैं यार तुमने तो एक ही कलर तुम पहन के आती हो, मतलब एक ही कलर तुम लगा के आती हो, पहन के आती हो. ठीक है थोड़ा आज ब्राइट यूज करते हैं. लेट्स डू. तो मेरे पास ये प्लेट है एक्चुअली इंग्लॉट का. इसमें आपको है ना ऐसा कि मतलब ऐसा आप भर सकते हो इसमें लिपस्टिक आपको जो पसंद हो कलर. तो अच्छा है एक साथ आप तीन चार कलर एक ही प्लेट में कैरी कर सकते हो. एक्चुअली इस ड्रेस के साथ मुझे ऐसा लगता है जो मेरा गेटअप है उसके साथ मुझे लगता है रेड बहुत अच्छा लगेगा. रेड लगाऊं क्या? ये देखो लिपस्टिक भी लगाने नहीं आ रहा यार मुझे. एक्चुअली एसी में ना लिपस्टिक वो हो गया, जम गया है. ये देखो अरे हाँ ये कलर भी है मेरे पास, लगा लूँ क्या इतना ब्राइट? खुल जा. ये देखो तो मैंने लगा लिया फाइनली. ये हो गया, सब हो गया, क्या बचा है अभी? इयररिंग नहीं, पहले मैं ये स्प्रे कर लेती हूँ. यार ये मैंने इधर कुछ नहीं लगाया. ये मैं शिमर लगा रही हूँ. ये अभी पता नहीं चलेगा लेकिन बाद में अच्छा हो जाएगा. जब तक ये सूखे तब तक मैं. हाँ हाँ बहुत फैंसी है ना ये, थोड़ा अतरंगी है लेकिन चलो ठीक है देखते हैं. बहुत ज्यादा भी लगे तो क्या फर्क पड़ता है. लेकिन अच्छा लग रहा है. यो लास्ट. चलो हैप्पी बर्थडे. बाद में बताऊंगी, इसके लिए आपको पूरा देखना पड़ेगा. और कोई मुझे लेने आ रहा है, मैंने कहा था ना मुझे कोई लेने आ रहा है. लेने आ रहा है तो जा रहे हैं. कौन लेने आ रहा है देखते हैं. सरप्राइज. कौन है सरप्राइज? वेट मुझे बैक करना पड़ेगा. वेट कर रही हूँ. उसने बोला मैं पहुँच गई, अब बोल रही है कि सिग्नल मिल गया.
कोई बात थोड़ा सा एक्चुअली मैं बहुत नॉर्मल रहती ना हमेशा, तो इतना रेडी होके तो थोड़ा बिल्डिंग ही नहीं चले, लेकिन हाँ तब तक आप लोग से चिट चैट। वैसे मैं कैसी लग रही हूँ, देखा आपने पूरा मेरा आउटफिट? ची 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 ये देखो कौन आया मुझे लेने। मैं इसके बारे में बोल रही थी, मैंने सस्पेंस रखा था, सबको लग रहा था पता नहीं क्या मैं किससे कैसी है यार। पता है तुमको, मैं अपने बर्थडे में इतना खाई ना कि मुझे जीन्स फिट नहीं हो रहा। हेलो, फाइनली हम जा रहे हैं अभी कहां? किसी के बर्थडे पे, जो मैंने रिवील नहीं किया है, और आई थिंक हम दोनों को देख के बहुत लोगों ने समझ गए होंगे किसके बर्थडे पे जा रहे हैं। वैसे भी रिवील हो ही जाएगा। कैसे दिख रहे हैं हम दोनों? हॉट। अपनी तारीफ खुद है कि नहीं? अरे यार दोनों ने ब्लैक ब्लैक पहना है। वाओ, इट्स अ ब्लैक डे। तू बता तू कैसी है? मैं ठीक हूँ। मैं तो उम्मीद ही नहीं था कि तू है इधर मुंबई में। अच्छा मैं तो इधर ही हूँ, कहाँ जाऊँ? अरे तू उस टाइम चली गई थी ना तू? हाँ मैं चली गई। सही है, मुझे गाइड कर देगी खाली? हाँ यहाँ से लेफ्ट लेफ्ट। हाँ मतलब सिग्नल से। यार एक्चुअली अच्छे लग रहे हैं यार, देखो हम दोनों। बस ये मुझे तो मेकअप, हाँ मेकअप बिल्कुल नहीं आता, लेकिन मुझे ऐसा लगा बहुत अच्छा आता है मेकअप। कुछ नहीं आता यार, मेकअप नहीं आता। उसके बाद मैंने तो सोच प्यारी लगती है यार। मैंने सोचा ना आज स्मज करूंगी, स्मज हुआ ही नहीं, मेरा पूरा फैल गया। मेरा पूरा फैल गया पता है तुमको? उसके बाद मैंने बोला यार लाइनर लगा दिया। बराबर मैं देखती हूँ, मैं गाड़ी चला रही हूँ, देखती हूँ। हाँ वो देखेगी, वो फिर पॉइंट देगी मुझे कि आज अरे यार तेरे ये अच्छे लग रहे हैं यार, तू अच्छा अच्छी आई है। मैं भी ये भी उतरेगी तो मैं इसको देखूंगी, फिर हम लोग फोटो। बहुत काम है यार, बहुत काम है दोस्तों। अभी तो बहुत मेन जान जाना है। हाँ अभी रुक जा रुक जा, सिग्नल नहीं है बेटा, नहीं है कुछ बोल लो तुम। क्या बोले, दिखाओ तुम कितनी प्यारी लग रही हो। तुम देखो हम दोनों ही अच्छे लग रहे हैं एक्चुअली। चलो सिग्नल चालू हो गया, मैं जाती हूँ, थोड़ा जाऊँ। नहीं गया, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। ये ऐसे ही जाते सिग्नल तोड़ तोड़ के। सब जा रहे, भाग रहे इधर सिग्नल तोड़ के। देख लो नहीं चालू, देख लो इसको। हाथ में तो दे दिया, पता नहीं क्या करना है। बड़े बड़े डंडी फोड़ो, ये क्या करना है? इधर फोड़ो दे, इधर इधर चलो बिगड़ गए। जल्दी रुको जाओ, रेडी खाने पेश करने के लिए। चलो विश मांगो, विश पे विश। हैप्पी बर्थडे टू यू। I'm the one you do, girl. Still loves negotiating the deal that'll pay me too much.
much money. लॉबी में ही इतना हल्ला कर रहे हैं अभी तो भाई हमारे बीच में इसको अभी कुमारी बोलते थे, अविनाश कुमारी, क्योंकि मेरा सरनेम कुमारी था और ये मेरे ऑपोजिट हम दोनों थे पेयर, और ये गालिब का पूरा पन्ना चाट चुका है, ठीक है, तो आज तो हाँ पूरा किताब चाट चुका है, तो मतलब आज तो बनता है बॉस, क्योंकि ये मतलब अविनाश का बर्थडे नहीं है, ये अविनाश कुमारी का बर्थडे, गालिब का बर्थडे, तो अविनाश ये एक्चुअली जब मैं इसी बरस में 16 साल का हुआ करता था, अच्छा 10 साल पहले की बात, हाँ। तब भी मैं गालिब का बड़ा ही खुशामदीद मुलाजा फरमाए, बहुत ही इशार, 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 बाबा, एक, बाबा, बाबा, बाबा। बोलने से पहले बाबा अच्छा एक छोटा सा अर्ज किया है, हाँ। आप दोनों मोहतरमाओं के लिए, हाँ। आप दोनों मोहतरमाओं को भी दिखाया जाए, अच्छा जब हम दोनों भी आए, अच्छा, एक सेकंड, हाँ। आपको लेना पड़ेगा फिर, हाँ। तो वाह 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 वाह। सो बात इतनी छोटी सी है कि किसी से इश्क करना, अरे वाह वाह, किसी से इश्क करना, किसी से इश्क करना तो खुदा की तरह करना, आहा, किसी से इश्क करना तो खुदा की तरह करना, सदियों गम सहते रहना पर आवाज ना करना, किसी से इश्क करना तो खुदा की तरह करना, सदियों गम सहते रहना पर आवाज ना करना, नेहा और सुप्रिया आप दोनों के लिए, हाँ। क्या बात है, एक उम्र लग जाती है इश्क को समझते समझते, सही बात, भाई भगवान, एक उम्र लग जाती है, अच्छा। एक उम्र लग जाती है इश्क को समझते समझते, अगला सवाल आपके लिए, एक उम्र लग जाती है इश्क को समझते समझते, समझ के अगर करना है मेरे यार तो इश्क ना करना, क्या बात है, क्या बात है, हमारे गालिब मतलब सच में ये बहुत टैलेंटेड है, और ये डाइट भी मतलब अगर 10 साल 11 साल पहले देखे तो ये थोड़ा पुट ऑन था, लेकिन इसने डाइट में जो कंट्रोल किया, और इसको सब पता है कि कब क्या खाना है, कितने ये पे खाना है, सब पता है, और यार गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, थैंक यू, स्वीट हार्ट, स्वीट हार्ट, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट, अभी जो 10 साल पहले था वो अभी भी वैसा ही है, और सच्ची 10 साल हो गए, बट दे स्टिल लुक द सेम, ये और हॉट ही होता जा रहा है, yes, 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 yes. और हम क्या होते जा रहे हैं, सुपर हॉट, सेम एस्पिरिटी, सेम एस्पिरिटी, थैंक यू सो मच, अभी अविनाश कुमारी, अविनाश कुमारी ने बोला तो हम हैं, हम सुंदर हैं, नेहा हम पूरे रास्ते में सोचते आ रहे थे कि हम कैसे लग रहे, नहीं, कैसे नहीं, लग रहे, लेकिन अभी कुमारी ने बोल दिया, एक छोटी सी बात बताऊं, हाँ। अगर गुलाब है, हाँ। तो गुलाब को सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं कल कैसा था परसों कैसा हूँ, गुलाब तो गुलाब ही रहेगा, हाय हाय, तो भी हम उसको पीस के फेस पे लगा लेते हैं, और कुछ आशिक अपने किताबों के पन्नों के बीच में रखते हैं, ओह माय गॉड, बाबा बाबा, अरे आपको पता नहीं है, ये हमारे सेट पे ऑफकोर्स सबको पता नहीं है, ये हम दोनों ने संस्कार किया था, संस्कार दोनों अपने की जो कलश पे आता था, और जिसके रीरन्स अभी चल रहे हैं कलर्स, मुझे अभी पता चला है 8 o'clock या समथिंग, ओके, तो आप वापस से हम लोग को देख सकते हैं, yes. शायद हम अभी भी वैसे ही दिख रहे हैं जैसे आपको अभी वहां दिखेंगे, और अविनाश
अपने गालिब से ही बहुत फेमस है और अमिताभ बच्चन से. आज मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी में डाला है क्योंकि मैंने इसको अमिताभ बच्चन का वो फोटो लाके दिया था. और इन्होंने मुझे फोटो लाके दिया था कुली वाला. और हमें याद है हमने पगड़ी 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 वाइट वाला वो जो अरब्स पहनते हैं ना हमारे गालिब. हाँ तो समझ में आया ना किसका बर्थडे था. करेक्ट, अविनाश मुखर्जी का. सब लोगों को ये मेरा झुमका बहुत पसंद आया. गाने भी चल रहे थे झुमका हाय झुमका. तो देखा ही आपने हम लोग उसको प्यार से, मैं उसको बहुत प्यार से अविनाश कुमारी बोलती हूँ क्योंकि मेरा नाम है सुप्रिया कुमारी, इसीलिए उसको अविनाश कुमारी बोलते थे. और देखा ही वो बहुत ही क्यूट है, बहुत ही समझदार है, बहुत मैच्योर है, बहुत ही इंटेलेक्चुअल है. आपने सुना भी गालिब का क्या. तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड लिटिल लिटिल मिस मी दोस्तों.